स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ द लेक्चर फॉर क्लास 11th CBSE RBSE बोथ, दोनों के लिए है। ठीक है, देखो अभी हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी लेक्चर वन में, फिर लेक्चर टू में भी हमने उसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा लेक्चर थर्ड है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि बोरोन फैमिली का कॉन्फिग्रेशन हमें पता है, NS2 NP1 है। यदि हम रेडियस की बात करें तो आप देखते जाइए स्क्रीन पर जो आपका लिखा हुआ है कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है या आयनिक रेडियाई होती है, यदि हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की कंपैरिजन में बात करें तो रेडियस कैसी होती है, रेडियस छोटी होती है, क्योंकि दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ जाते हैं तो रेडियस कम होती चली जाती है, तो स्मॉलर होती है। ठीक है, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इसका रीज़न क्या दिया है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है तो साइज़ कैसा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा, और यदि हम ग्रुप में जाएंगे तो शैल बढ़ जाएगा, और शैल बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक्सेप्शन मैंने आपको बताया गैलियम है। गैलियम में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी में, और गैलियम में इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग जो है वो कैसी है? पुअर है। तो यदि स्क्रीनिंग प्रॉपर होती तब तो साइज़ कैसा हो जाता? साइज़ अलग तरीके का होता, लेकिन अभी क्या है कि स्क्रीनिंग तो कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो साइज़ कैसा हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियाई। अब आप देखो, आपका एक्सेप्शन है एटॉमिक रेडियस ऑफ वेरियस, गैलियम इज़ लेस देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम की तुलना में गैलियम का आकार जो है वो छोटा है पुअर शील्डिंग के कारण। ठीक है, फिर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यदि हम ग्रुप टू से कंपेयर करें तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। इधर से जाने पर बढ़ती है, लेकिन 13th ग्रुप की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है? कम है। ये एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है? पी से निकल रहा है, जबकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है? एस से। तो एस कम्प्लीटली फिल्ड है और फिर न्यूक्लियस के पास है, तो उनकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा है। ठीक है, फिर यदि हम ऊपर से नीचे की बात करें, फ्रॉम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 13th, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है वो, यहाँ पर बता रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 13th फ्रॉम द बोरोन टू एल्युमिनियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट विच आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें 13 की, तो ये कैसी होती है? ग्रुप 13 आर लोअर एज कम्पेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। यदि हम ऊपर से नीचे जाएं तो आयनाइजेशन बोरोन से एल्युमिनियम तक तो क्या है, साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे जाएंगे, अरे ये बोरोन है, ये एल्युमिनियम है और गैलियम का साइज छोटा है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ रहा है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कैसी होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि इंक्रीज ऐसा क्यों होता है? एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण। ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी एक्सपेक्टेड इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बिटवीन लेकिन ठीक इसी तरीके का इफेक्ट एल्युमिनियम जैसा एल्युमिनियम और गैलियम में है, ऐसा ही इंडियम और थैलियम में भी, यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि थैलियम में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4F में जा रहा है, तो F की भी शील्डिंग कैसी है? कम है, तो यहाँ पर भी इसका भी साइज़ छोटा है, और साइज़ छोटा है तो IP क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। तो गैलियम और थैलियम का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किस कारण से है? इसका 4D के कारण और इसका 4F के कारण। ठीक है, इसका 3D के कारण, सॉरी इसका 3D के कारण, इसका 4F के कारण। क्लियर, फिर हम पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन विच स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉम्पनसेट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब आती है आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तो पहले तो कम होती है,
और उसके बाद देन इंक्रीजेज, उसके बाद बढ़ती है, ठीक है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अब आप देखो क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता रहा है वो। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को यदि आप ढंग से देखोगे तो बोरोन कैसा होता है, हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है और नॉन मेटैलिक होता है नेचर में, पहली बात तो ये। जबकि इसके अदर मेंबर कैसे होते हैं, हार्ड की जगह सॉफ्ट होते हैं, ब्लैक की जगह कलर तो नहीं दिया लेकिन नॉन मेटैलिक की जगह मेटैलिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है बोरोन का, जबकि अदर मेंबर्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसके कारण से, लेटिस स्ट्रक्चर के कारण। एक बड़ा सा लेटिस, एक बड़ा सा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फिर क्या कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि लाइटर एलिमेंट प्लस 3 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, हैवियर एलिमेंट प्लस 1 शो करते हैं लेस देन 2, है ना। और वो ऐसा क्यों करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण करते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बार बार उसी चीज़ को बता रहा है वो। उसके अलावा यदि आप देखोगे तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझने की कि देखो बोरोन के कंपाउंड्स जैसे क्या होते हैं कि इसकी प्लस 3 स्टेट होती है, तो BCl3, BF3, BBr3। तो बोरोन का कॉन्फिग्रेशन देखिए, 1s2 2s2 2p1 है, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो आद्य अवस्था है उसमें 2s2 2p1 है, 2s2 भरा है और p1 खाली है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब उत्तेजित अवस्था में एस से एक इलेक्ट्रॉन खुद के पी में चला जाता है। तो जो पी पे जो इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, तो क्या हो गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यदि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, एक s और 2p, क्लियर। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और एक वैकेंट हो गया, अब क्या होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, तो इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। अब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई तो क्या होगा, क्लोरीन, बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा और इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेगा, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आप देखो यदि आप BCl3 की स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 2 2 4 2 6, और होने कितने चाहिए, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। ये यौगिक कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, जिसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि BCl3 को कोई ऐसा अणु मिल जाए, ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए जिसके पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मीन्स लोन पेयर है। तो देखो जैसे अमोनिया के साथ इसने रिएक्ट किया है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ये डोनेट करेगा वो एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बॉन्ड फॉर्म हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया, उपसह संयोजक बंध बन गया। यानी बोरोन जो है वो एक उपसह संयोजक बंध बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यदि इसको कोई लोन पेयर देता है तो ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, क्लियर। तो जब BCl3 अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो BCl3 की जो ट्राइगोनल शेप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं, क्लियर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि BCl3 लेविस एसिड है, वाई पूछा जाता है कि लुईस अम्ल है, क्यों, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये एक लेविस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। और यदि हम इसके हाइड्रोक्साइड्स को देखें, यदि बोरोन का जैसे BCl3 है, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो मान लो, तो क्या बनेगा, बोरोन का OH4, बोरोन का OH4 का होल माइनस बन जाएगा, ठीक है। वो कैसा होगा, sp3 इन शेप होगा। और जो एल्युमिनियम है वो क्या करता है, वो डाइमर के फॉर्म में मिलता है। डाइमर के फॉर्म का मतलब है बीच के तो ब्रिजिंग है और अगल बगल के टर्मिनल बॉन्ड है, तो वो डाइमर फॉर्म में आपको अवेलेबल रहता है। वो ऐसा क्यों करता है, डाइमर क्यों बनाता है, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, रिमेनिंग प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।